समझिए तो सोजतीय समाज के महापर्व तो कुछ लोग पर्व को साधारण मानते हैं। चलिए चंदा दे दिए, हेलो बात खत्म, लंगर हुआ, अरे मीटिंग के खबर आया हो ना, हुआ तो कुछ आदमी इसको बहुत तब हल्का फुल्का में लेते हैं, समझते हैं। जल्दी आओ, आओ, यही अपना दूसरा धर्म का पर्व होता है और उसमें बहुत बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नया कपड़ा पहनते हैं, घर सजाते हैं, लेकिन खास करके अपना पर्व में देखते हैं तो इसमें कोई खास एक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग अभी भी सोए हुए हैं, दो चार आदमी को समाज में जागने से समाज नहीं जागे। हाँ, उसमें देखा देखी आदमी अगर करेगा जो नहीं भाई वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तब यही समाज का भला ही। ये दो चार आदमी को कुछ करने से समाज का भला नहीं है। आप लोग चाहिएगा जो नहीं इनको पीछे हम सब आदमी रहेंगे तब ये समाज का भला होगा और कोई भी कार्य सक्सेसफुल होगा। तो 24 फरवरी का जुलूस है, सारा आदमी एकजुट होकर के, जैसे लेडीज जेंट्स सभी आदमी चलते हैं कतार बना करके, जहाँ तक नशा भांग नहीं करेगा लड़का हो या ताकि दूसरा कास्ट के सामने कल होकर हम लोग को शर्मिंदगी ना महसूस करना पड़े, कोई लड़का सुनना पड़े, चाहे अश्लील गाना बजे चाहे इसे कल को, इस सबके लिए हम लोग ये अंतिम मीटिंग बुलाते हैं। और जुलूस में सब आदमी का सहयोग से ही होता है, ये नहीं कि हम लोग दो चार आदमी हैं तो दो चार आदमी तो कज करता है। अगर आप लोग सब आदमी खाली पैसे दीजिएगा नहीं जाइएगा, इसमें सहयोग नहीं कीजिएगा, तो हम लोग पांच आदमी पूरा चार गाँव घूर तो नहीं आएंगे, उसमें भी बेइज्जती है। इसीलिए सारा आदमी को उसी दिन काम धाम अपना अपना बंद करके, चाहे समय से अपना कर लीजिए 10 बजे तक के, और 10 बजे के बाद से सारा आदमी हम उपस्थित रही, अच्छा कपड़ा लत्ता पहन को, जैसे कि हम लोग हर साल जाते हैं, और कुछ बाहर से भी हमारे गेस्ट कुटुम आते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको लगे जे न यहाँ पर ही समाज में हिस्सा है या संगठन है, एक कमिटी चल रहा है, उसमें सब आदमी गांव का इक्टिव, ऐसा ना जे जैसे तैसे कपड़ा पहन कर चले आए, जैसे तैसे जैसे मन करे तैसे बैठ जाए, एक तो अपना में अपना बनाई जो हाँ बाहर के आदमी आएगा तो कहेगा जना भाई, उन लोग को एक तो पर्व होता है तो बड़ा डिसिप्लिन के साथ होता है। इससे क्या होता है कि जो हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग को भी आनंद गाँव से न्योता मिलता है कोई कार्य में या कोई सभा में तो जाते हैं, तो हम लोग को बड़ा मान सम्मान देता है उन लोग, जो नहीं भाई आप लोग के तरह हमारा समाज में नहीं है हो, जैसे हम लोग बलुअर में जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग को सुना आप लोग का समाज में तो भाई लड़का लड़की सब एक्टिव है, देखते हैं एक तो साल में प्रोग्राम होता है तो मजे के सभी आदमी जुलूस में भी जाते हैं, आने के बाद स्टेज में अच्छा अच्छा प्रोग्राम होता है, अच्छा अच्छा वहाँ पर सब आदमी अपना अपना वक्तव्य रखते हैं, हमारा समाज में सब कमी हम लोग को मिलता है बाहर में सुन, तो एक तरह तो हम लोग बाहर में महसूस करते हैं जो नहीं हमारा समाज उनका नज़र में अच्छा है, लेकिन जब हम घूर कर आते अपना समाज में तो बड़ा ही कमज़ोर महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं। तो इसमें सभी आदमी के योगदान है और सहयोग भी है, साथ भी रहना है, चलना है, फिर आइए, फिर सामने प्रोग्राम होगा, जो भी होगा लड़का बच्चा का रहिएगा, सभी आदमी एकजुट करके, अगर इसमें कहीं कोई कमी होगा, हम लोग पांच आदमी हैं या 7 आदमी कज करता, कहीं आप लोग को कमी बुझाएगा जो ना है यहाँ पर कमी है यहाँ ऐसा कीजिए, तो बजट के हिसाब से उसको हम लोग सुधारेंगे। चाहे देखिए अभी का कोई भी पर्व और पैसा अथी प्रोग्राम होता है पैसा का, तो जितना पैसा लगाएंगे उतना अच्छा होगा,
अभी तो समझिए 200 लाख खर्चा करेंगे, आना तो 200,000 में हो सकता है। तो अभी जो महंगाई का टाइम है, जैसे पैसा जिस हिसाब से आता है वही हिसाब से हम